गुड इवनिंग गाइस। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं आज एक्चुअली सुबह से बाहर निकला था और जाने वाला था टिटल बाग, बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर बहुत सारा लॉकडाउन हो गया है, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। बस के जो टाइमिंग्स है वो सब चेंज हो गए हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना, हम घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सो मैंने सोचा कि श्वेतसाग में ही थोड़ा घूम लेता हूँ। सो मुझे पता चल जाएगा, वैसे भी मैंने यहाँ पर नया हूँ श्वेतसाग में, देखते हैं कैसा है श्वेतसाग, आप भी साथ में देख लीजिए। बचा है कुछ 4 जर्मनी के, और आप एक बार आसमान देख लीजिए, लाइक अच्छा खासा सा वेदर है आज, लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं आया है। देखते हैं ये वाला रास्ता कहाँ पर जाता है, जहाँ पर रास्ते लेके जाएंगे वहाँ पर हम चलते चलते वहाँ तक जाएंगे। और बाय द वे अभी है यहाँ पर कुछ 8 डिग्री सेल्सियस, और अच्छा लग रहा है चल के, आप भी साथ में चलिए। बाय द वे ये वाला रास्ता जो है पता नहीं कहाँ पर जा रहा है, सीधा यहाँ से जाके वो वाला जो वहाँ पर एक गांव है वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या हलचल है ये वाले शहर की। घंटे सुन रहे हो आप, मतलब 4 बज गया है। यहाँ पे कैसा होता है चर्च में ना, समझो अभी 1 बजा है सो 1 बार बजेगा, 2 बजा है सो 2 बार, और यहाँ पे 24 आवर्स वाला क्लॉक रहता है। सो जैसे कि 1 बजा ना आफ्टरनून में, सो मतलब 1300 आवर्स 1 बजा दोपहर के, मतलब 13 बार घंटे बजते हैं वैसा। और यहाँ पे अगर समझो 1:15 बजे है ना, सो 1 बार बजेगा, फिर 1 बज के मतलब 1:30 बजा रहेगा ना, 1:30, सो 2 घंटा बजेगा, और 1:45 हुआ रहेगा तो फिर 3 घंटा बजेगा। सो समझ में आता है कि कितना हो गया, कितना बजाए करके। आपको यहाँ पे घड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही चल रहा था, चलते चलते मुझे कुछ दिख गया, शायद से वहाँ पर जाना ज़रूरी है। आपको भी पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्या दिखा, वो ये दिखा मुझे, ये जो छोटा सा ये वाला, आई मीन इसमें कैमरा में छोटा दिख रहा है, वैसे छोटा नहीं है, बड़ा सा है, क्या है वो जाकर देखते हैं। अगर आप जर्मनी के रास्ते पे ऐसे ही चल रहे हो और कोई आपके बाजू में से गुजर रहा है ना, तो उसको एटलीस्ट हेलो बोलिए, बिकॉज़ वो यहाँ का एक सिस्टम है, कोई भी आपके बाजू में से जा रहा है हेलो बोलना सीख लीजिए। अगर आपका जर्मन नॉलेज अच्छा है तो फिर, आई मीन जर्मन लैंग्वेज नॉलेज अच्छा है ना, सो ग्रुसकॉट बोल सकते हो। ग्रुसकॉट का मीनिंग हुआ, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, बट ग्रुसकॉट का मीनिंग है राम राम, अगर ट्रांसलेट करने चाहे तो। ग्रुस मतलब विश, गॉड मतलब गॉड, ग्रुस टू गॉड, विश टू गॉड ऐसा। Thank you.
पीछे आप ये जो देख रहे हो मेट्सकराए बोलते हैं इसको, और एक होटल भी है यहाँ पर, एक छोटा सा रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे आके अगर आपको भूख लगी हो तो यहाँ पर जर्मन फूड खा सकते हो। और उसके बाजू में जो है फुक्स, यहाँ पर आपको बेसिकली कॉफ़ीज और ब्रेड्स ये सब मिलता है। शिफ्ट हुए 2 महीना हो गया, पर ये वाले एरिया में कभी भी नहीं आया यार। देखते हैं क्या है ये वाले एरिया में। मेरी छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप जर्मनी में आ रहे हो ना, सो हल्का फुल्का सा जर्मन सीख के आना, A1 जितना बराबर बेसिक जर्मन, सो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। बिकॉज यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट सब कुछ जर्मन में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है। काश हिंदी में लिखा रहते यार, मज़ा आ जाता। यहाँ के लोग सही है यार। यहाँ के लोग सही है। मैं ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ ना, सब लोग मुझे देख के ना ऐसे खुश हो रहे हैं कि ये बंदा कौन है, ऐसा ब्लॉग कौन कर रहा है। लेकिन अच्छा लगता है ऐसे कोई देख के स्माइल कर रहा है। ये दूसरा बंदा था, मुझे देख के स्माइल कर रहा है, और ऐसे किया जाए उसने ऐसे नाइस। सो हम लोग पहुंच गए ये वाली जगह पर। ये वाली जगह कौन सी है मुझे देखना पड़ेगा यार। देखा ना, सबके लिए एकदम नया है कि लाइक मैं यहाँ पर आके ब्लॉग कर रहा हूँ, सब लोग देख के हंस रहे हैं। अच्छा है, जिस मेरे पीछे जो है वो मुझे लग रहा है एक बड़ा सा चर्च है। सेकंड, ये जाके देखते हैं अंदर क्या है। आई होप मुझे अंदर शूट करने की परमिशन मिल जाए। लेट्स सी, अंदर जाके पता चलेगा वो। तो लकीली मुझे यहाँ का परमिशन मिल गया शूटिंग का। मैं इंफॉर्मेशन रहा हूँ, और मेरे बोलते बोलते ना मेरे माइंड में जर्मन ही आता है हमेशा। मैं गया था फ्रंट ऑफिस पे, वहाँ पे ये लोग ने बोला कि मैं एक्चुअली शूट कर सकता हूँ, बट आगे जाकर एक स्कूल है, स्कूल में वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है उसने कहा। बाकी बाहर से और चर्च के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बहुत पुराना सा चर्च है, और ये चर्च कुछ हुआ था इसका ये चर्च हुआ था 1913 में इसका काम हुआ था, और 1959 में इसका काम ख़त्म हुआ था। सो लाइक बहुत बहुत ही पुराना चर्च है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है और जर्मन में लिखा है, सो थोड़ी सी जर्मन मुझे भी आती है। और मैं एक्चुअली बात करते करते वीडियो भी शूट करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने बोला कि लाइक फ्रंट ऑफिस पे कैमराज अलाउड नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट प्लेस है। और यहाँ पे एक ये लोग ने सैंपल खड़ा किया है कि ये पूरा आई गेस पूरा श्वात्साग का सैंपल है, और या फिर तो सिर्फ यही जगह का सैंपल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये सैंपल जो है आधा टूटा हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए, रुकिए।
आपको मैं थोड़ी सी ये जगह दिखा देता हूँ। हाथ सैनिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अब भी करते हैं ना सैनिटाइज। गुड। अच्छा लगा यार अंदर जाके, इतना शांति था, बहुत सुंदर। अब ऐसा लग रहा है कि लाइक मुझे अभी चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मन की जो शांति है ना वो मुझे मिल गई। लेकिन बहुत ही अच्छा था। और ये चर्च इतना पुराना है, आई मीन मैं अंदर जाके यही सोच रहा था कि लाइक ये लोग ने इतना अच्छा मेंटेन कैसे किया है। अच्छी बात है। और आई एम अफ्रेड टू से कि मैं दूसरी साइड नहीं दिखा सकता, बिकॉज यहाँ के जो जन्मदाता हैं, गलत बोला, पता नहीं जन्मदाता क्या होता है, जन्मदाता मतलब जो जिसने जन्म दिया, यहाँ का जो सुपरवाइज़र है उसने बोला कि आप चर्च का वीडियो निकाल सकते हो, बट आगे जाके स्कूल है, उसका वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। बट इट्स ओके, थोड़ा सा तो थोड़ा मुझे अभी समझ में आया कि लाइक श्वासा का माइंड में इतनी अच्छी चीज़ है। मैं तो यार रोज़ आके यहाँ पर बैठूँ यार, सीरियसली। सो अभी वीडियो मुझे यहाँ तक ही रखना पड़ेगा, बिकॉज़ धीरे धीरे मेरा जो कैमरा है वो मेरा साथ छोड़ रहा है, बिकॉज़ अंधेरा हो रहा है। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया ना आया हो, सो लाइक या डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो कि लाइक ये क्वालिटी अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। सो नेक्स्ट टाइम मैं जब मेरा अगला वीडियो बनाऊंगा तभी मैं ध्यान रखूंगा कि आपने जो कमेंट किया है वो वाली मिस्टेक दोबारा नहीं अपनानी है। ऑलराइट, मिलते हैं अभी हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइव के जून, लाइव के जून मतलब स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। टेक केयर, बाय।